हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। फ्रेंड्स, आज हमने एक नर्सरी विजिट किया। ये नसीरपुर रोड के पास में ये एक महेश नर्सरी है, ये जो कि बहुत ही अच्छे और रिजनेबल रेट पे प्लांट दे रहे थे। तो आज हमने यहाँ से कुछ प्लांट की शॉपिंग करी है, वो अभी मैं आपको दिखाती हूँ। इसके अलावा मैंने अपने गार्डन में आज कुछ ज़रूरी काम किया। मेरे पोर्चला का पर्सलिन के जो प्लांट मैंने लगाए हुए थे उसको मैंने कटिंग से या फिर सीड से ग्रो किया हुआ था, तो उसमें अभी तक कोई कलियां नहीं आ रही हैं। तो आज उसके लिए मैंने उसकी थोड़ी सी खाद वगैरह उसमें डाली है, वो भी मैं आपको दिखाती हूँ मैंने कौन सी खाद उसके लिए यूज़ किया है। तो फ्रेंड, दिखाती हूँ मैं अपनी प्लांट की शॉपिंग। पहले फ्रेंड्स, ये लिया है मैंने जीनिया। एक ही प्लांट में दो कलर मिल गए मुझे, तो मैंने इसको ले लिया और ये मुझे मिला है 20 रुपीज़ में। आज मैं जो भी प्लांट लेके आई हूँ वो मुझे सारे 20-20 रुपीज़ में मिले हैं। इसके अलावा ये मिलाई हूँ गोमफ्रेना, ये भी मुझे 20 रुपीज़ का मिला है और ये प्लांट भी मुझे बहुत ही खूबसूरत लगता है। इसके अलावा लिया मैंने ये पोर्चला का येलो कलर का, ये प्लांट भी 20 रुपीज़ में मिला है मुझे। और ये सिलोसिया का ये कलर भी बहुत ही प्यारा लग रहा था। इसके अलावा मेरे पास अभी रेड कलर में ये प्लांट है, ये भी मैंने सीड से ही ग्रो किया है, तो अभी तो मेरे पास ये छोटे हैं। और फिर एक मैंने इसको भी ऐड कर लिया, ये कलर भी बहुत ही प्यारा लग रहा था, ये प्लांट भी 20 रुपीज़ में मिला है मुझे। इसके अलावा ये सदाबहार, ये कलर भी एक मेरे पास अभी और प्लांट था, बट ये मुझे काफ़ी खूबसूरत लग रहा था और सिर्फ 20 रुपीज़ से मिल रहा था, तो मैंने इसको भी ले लिया। और ये पर्स लेन लिया मैंने, इसमें भी येलो पिंक कलर का दोनों कलर्स में अवेलेबल हैं। और ये लिया सनफ्लावर, ये भी 20 रुपीज़ में मिला है मुझे। तो आज ये थी मेरी प्लांट की शॉपिंग। मुझे अपने गार्डन में फ्लावरिंग प्लांट बहुत ही पसंद है, इसलिए मैं ज़्यादा से ज़्यादा फ्लावरिंग प्लांट्स ऐड कर रही हूँ। फ्रेंड्स, ये है मेरा पोर्चला का जिसमें अभी कलियाँ बन रही हैं, इसे मैंने कटिंग से ग्रो किया था लास्ट ईयर। मेरी जब मैंने कटिंग से लगाई थी, ये भी मैंने कटिंग से ही ग्रो किया है इस बार, बट अभी कलियाँ नहीं बन रही हैं इस प्लांट में। और ये ही मेरे सारे पोर्चला का पर्सलिन जो कि लास्ट ईयर थे, तो मैंने उनको सेव बचा के रखा था, उसे मैंने कटिंग से फिर इनमें ग्रो किया है, बट अभी किसी भी प्लांट पे फ्लावरिंग नहीं हो रही है। बस एक प्लांट है जो मेरा इस गमले में लगा हुआ है, तो इसमें मेरी कलियां आ रही हैं और कभी और फ्लावरिंग भी हो रही है, बाकी और किसी में भी फ्लावरिंग नहीं हो रही है। तो आज हम इनके लिए कुछ खाद इसमें ऐड करेंगे जिससे कि जल्दी से जल्दी इसमें कलियां बने और ज़्यादा से ज़्यादा ये फ्लावरिंग कर सकें। तो आइए मैं दिख बताती हूँ फ्रेंड्स, मैंने कौन सी खाद इसमें ऐड की है। सबसे पहले मैंने इसके लिए अनियन पील फर्टिलाइज़र लिया है। आज मैं कुछ प्लांट्स में केमिकल फर्टिलाइज़र यूज़ करूँगी और कुछ प्लांट्स में होममेड फर्टिलाइज़र, तो देखते हैं कुछ दिनों में दोनों का असर कैसा दिखता है। फ्रेंड्स, सबसे पहले मैंने ऐड किया है ये अनियन पील फर्टिलाइज़र। मैंने प्याज के छिलकों को पानी में भिगो के रख दिया था 2 दिन पहले, और अब ये इस तरह हो गया, तो हम प्याज के छिलकों को इसमें से अलग कर लेंगे। उसके बाद हम इसे थोड़े और इसमें थोड़ा और पानी ऐड करके हम इसे गमलों में दे देंगे। हमें इसे पहले छान के अलग कर लेना है क्योंकि प्याज के छिलके हमें नहीं डालने हैं, वरना फंगस लगने का भी चांस है। और ये हम कुछ गमलों में इसे दे देंगे। और बाकी के गमलों में मैं इसमें DAP का यूज़ करूँगी।
ये है मेरा बनाना पील फर्टिलाइज़र, ये भी मैं इन सब में दे रही हूँ। और इसके बाद हम इसमें डालेंगे वर्मी कंपोस्ट। तो और इधर मेरे पास है ये डीएपी, जो बाकी के जो प्लांट्स हैं उनमें मैं डीएपी का यूज़ करूँगी। एक पॉट में 10-12 दाने बहुत हैं, तो इन सब सारे प्लांट्स में मैं वो 12, जो बड़े हैं उसमें 15 दाने लगभग, और जो छोटे हैं वो 10 से 12 दाने इसमें मैं डाल रही हूँ। और जो ये जिनमें मैंने होममेड फर्टिलाइज़र यूज़ किया था उनमें मैं वर्मी कंपोस्ट ऊपर से डाल रही हूँ। और फिर हम कुछ दिन के बाद देखेंगे किस प्लांट में ज़्यादा ग्रोथ हो रही है, केमिकल फर्टिलाइज़र से या फिर होममेड फर्टिलाइज़र से। फ्रेंड्स, इसका रिजल्ट मैं आपको 15 दिन के बाद शेयर करूँगी। फिर इसमें देखते हैं कि किस प्लांट में ज़्यादा ग्रोथ हो रही है। और जिसमें मैं डीएपी डाली थी उसमें भी मैं पानी सारे में डाल दूँगी, और इसका रिजल्ट देखेंगे। लगभग 15 दिनों में तो मुझे लगता है आ जाना चाहिए इसमें फ्लावरिंग। तो फ्रेंड्स, ये थी मेरी आज की वीडियो। आप आई होप आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। हैप्पी गार्डनिंग।